चलो जी, अब बताना कौन से लाइट। बस सही है, सही है। ये सही। 1 2 3 गो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय लाइव सेशन। ऑलरेडी काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन सबसे खुशी की बात तो ये है कि मेरे 100K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बताती चलूं कि नूर जो चैनल है वो हम नौजवानों के लिए है, क्योंकि इस दौर में ना हम नौजवानों को बड़ा मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा चैनल बनाया जाए जहां पर आप मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, मैं आपसे अपने करूं, ताकि हम लोग एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से फायदा उठा सकें। तो अभी मुझे रिक्वेस्ट आई है शुमाइला की, वो हमें ज्वाइन करेंगी। जी शुमाइला, कैसी हैं आप? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं अपना एक पर्सनल प्रॉब्लम लेके आई हूँ आपके पास, जो शायद थोड़ा सा सुनने में एम्बैरेसिंग लगे, लेकिन एक लड़का है वो मुझे बहुत चाहता है, मुझे पसंद करता है। He understands me. And you know, he's the only one जो मुझे समझता है और वो मेरी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करता है। वो लड़का मुझे कहता है कि तुम अपने मामा पापा को छोड़ के मेरे पास आ जाओ, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। Now I'm totally confused. Please guide me something. शुमाइला, आपके पापा आपसे कितना प्यार करते हैं? बहुत बहुत ज्यादा। तो बस जान लो कि इस दुनिया में तुम्हारे पापा से ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं करता। पता है तुम्हारी इस बात ने मुझे काफी इमोशनल कर दिया है। तो मेरे दिल में एक बात आई और मेरा दिल किया कि मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूं। आप लोग मुझ पे बहुत एतमाद करते हैं, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप लोगों को लगता है कि जो भी मैं कहूंगी उससे आपका मसला सॉल्व हो जाएगा या आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन जितनी भी बातें, जितने भी लफ्ज मैं कहती हूँ ना, उसमें मेरा असर नहीं होता। वो सब बातें, वो सब अल्फाज इनके हैं, मेरे पापा के। मैं कभी भी इनके लिए थे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि ये अभी भी मेरे साथ हैं। बचपन में मेरे शू लेसेस बांधने से लेकर मेरे लड़खड़ाने पर मुझे संभालने तक वो मेरे साथ हैं और रहेंगे। आप लोग भी सोचते होंगे ना कि मैंने अपने चैनल का नाम अपने नाम पे रख दिया, नूर। नो, नूर का मतलब होता है रोशनी। ये रोशनी इनकी है। जैसे नहीं चांद एकदम रोशन दिखाई देता है, पर वो रोशनी चांद की नहीं होती, वो असल में सूरज की रोशनी होती है। उसी तरीके से ना बेटी चांद की तरह होती है और बाप सूरज की तरह। खुद तो जलता रहता है, लेकिन अपनी बेटी को एक ठंडी रोशनी फराहम करता है। खुद तो धूप में होता है, लेकिन बेटी को छांव देता है। तो प्लीज अपने पेरेंट्स को ना इग्नोर ना करना, माँ हो बाप हो, इवन योर होल फैमिली। यही तो कुछ कीमती रिश्ते होते हैं यार। और शुमाइला, तुम और यहाँ पर जितनी भी लड़कियां मेरी लाइव सेशन देख रही है ना, आप सबके लिए मेरा एक मैसेज है। प्लीज प्रिंस चार्मिंग ढूंढने के चक्कर में ना अपने रास्ते से ना भटको। तुम्हारा असल प्रिंस चार्मिंग वो है जो तुम्हें कभी रास्ते से ना भटकने दे। उसमें कुछ डिफरेंट हो ना हो, लेकिन वो तुम्हें इज्जत दे और तुम्हारे साथ धूप और छांव में ना हौसले से खड़े रहे। तो ये मैसेज आगे बढ़ाओ, रोशनी बनो, नूर बनो और नूर फैलाओ। ओके, बहुत इमोशनल हो गया। नेक्स्ट, अब हमें ज्वाइन किया है अहमद ने। हाय अहमद। अस्सलाम वालेकुम नूर। पहले तो आपको मैंने ये बताना है कि आपने मेरा फिजिकल चेंज तो मेरे अपने सामने ही देख लिया, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बतानी है वो इनसे बहुत ज्यादा बढ़कर है। बेसिकली मैं आज आपकी ऑडियंस को वो जर्नी बताना चाहता हूँ जिस जर्नी से मैं गुजर कर आया हूँ। नूर, जिस टाइम मैंने आपको कॉल की थी लास्ट टाइम, वक्त मेरे ऊपर बहुत मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त था। आई डोंट नो उस टाइम मैं क्या डिसीजन लेता, लेकिन कहते हैं ना कि बाज़ दफ़ा अगर आप किसी से कोई किसी चीज़ के बारे में पूछ लो, कोई सलाह ले लो, कोई मशवरा ले लो, तो वो बहुत बेहतर होता है और चीज़ें बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाती हैं। उस टाइम वो मशवरा शायद मेरी दुनिया का सबसे अच्छा था।